कोरोना के पीड़ादायक 2 साल के अंतराल के बाद इस बार कोटा का दशहरा मेला फिर से परवान पर रहेगा। कोटा दशहरा मेले के शानदार आयोजन के लिए नगर निगम कोटा उत्तर व दक्षिण की तरफ से विधिवत पूजन के साथ तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। दशहरा ग्राउंड के रंगमंच पर आयोजित पूजन कार्यक्रम में महापौर राजीव अग्रवाल, महापौर मंजू मेहरा व आयुक्त आशुदेव मलावत, राजपाल सिंह सहित दोनों निगमों के उप महापौर व पार्षद कर्मचारी मौजूद रहे। विधि विधान के साथ पूजन के दौरान कामना की गई मेला दशहरा पर कोरोना का साया ना पड़े। इंतजार भी था, कोटा की पहचान है, क्या इस बार अलग होगा? इस बार बिल्कुल निश्चित रूप से 2020 और 21 में कोरोना की वजह से मेला नहीं भर पाया और आज हमने गणेश जी से रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित सब परिवार सहित पधार कर यही आह्वान किया है कि आप बिल्कुल साक्षात यहाँ विराजें और इस बार कोटा की जनता इस दशहरे को इस तरह से देखे कि वो जीवन भर याद रहे कि हाँ इस बार मेला दशहरा भरा है, क्योंकि वैसे भी 2 साल हो चुके हैं तो लोगों की बहुत लालसा है। अभी जो छोटा सा मेला भास्कर या पत्रिका लगा था, आपने देखा होगा उसमें कितनी भीड़ उमड़ी है, तो हमें लगता है कि इस बार दशहरे में पाँव रखने की भी जगह नहीं हुई और हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे कार्यक्रम करें, अच्छे से अच्छे कलाकारों को बुलाएँ और अच्छे से अच्छी व्यवस्था लोगों को दें। उनको न लाइट में दिक्कत आए, न पानी में दिक्कत आए, न सफाई में दिक्कत आए, प्लस जो भी लोग सुझाव देंगे हम सबको आमंत्रित करेंगे और इस मेले को इतना भव्य करेंगे कि ये हमारी राष्ट्रीय पहचान है कि राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा में भरता है, उसी को हम मेंटेन करते हुए बहुत भव्य भरेंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।